डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद की तरफ से बिग ब्रेक थ्रू। वेलकम टू नाइट प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कैप्चर। दिस इज जादे मेलसन और मैं इस वक्त डीएचए एक्सप्रेस वे डीएचए फेस 5 इस्लामाबाद में खड़ा हूँ और जो बिग ब्रेक थ्रू आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो इसी एक्सप्रेस वे से रिलेटेड है। फॉर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स डीएचए एक्सप्रेस वे के शुरू में एक लिटिगेशन का पैच था जिसकी वजह से इसका एक्सेस जो था वो इस्लामाबाद हाईवे की तरफ ब्लॉक था। लेट मी शो यू कि इस्लामाबाद हाईवे जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे कितना दूर है। वहाँ से सामने जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे है इस्लामाबाद हाईवे का गेट डीएचए फेस 5 का और जहाँ से मैं खड़ा हूँ यहाँ से तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव है। अब ये लिटिगेशन का पैच तो है, कैमरा इस तरफ मूव करें, वो क्लियर हो चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डीएचए की तरफ से बहुत ही स्पीडी डेवलपमेंट हो रही है। इन्होंने विद इन फ्यू डेज इसी हफ्ते में इस लिटिगेशन को काट दिया है और इस रोड को इन्होंने ब्लैक टॉप करना शुरू कर दिया। आप इर गिर्द देख सकते हैं कि कितनी स्पीडी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कैमरा घुमाएं जी, इनको दिखाएं एंड एक्सक्यूज अस फॉर द वॉइस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है क्योंकि यहाँ पे बहुत मशीनें लगी हुई हैं डीएचए एक्सप्रेस वे के ऊपर। डीएचए की तरफ से एक्सकवेटर्स भी लगे हुए हैं, डंपर्स भी लगे हुए हैं, ब्लॉक्स भी यहाँ पे लिए लेके आए जा रहे हैं जो रोड्स के आर पार लगते हैं। बेसिकली ये एक डबल रोड है और जहाँ पे भी ये सामने मशीनें चल रही हैं ये इसकी सर्विस रोड होगी। उसके अलावा अगर आप देखें उस तरफ कैमरा घुमाएं तो ये इसकी डबल रोड है चूँकि, तो ये इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इस तरफ होगा जहाँ पे लोग चल रहे हैं और एक मशीन भी खड़ी हुई है। सो ये वाला हिस्सा भी क्लियर है और यहाँ ये यहाँ भी कटिंग हो रही है और ब्लैक टॉप हो जाएगी। इस साइड पर भी दिखाएँ जी, ये जहाँ बाइक खड़ा हुआ है इस साइड पर मूव करें कैमरा, इस साइड पर बाइक खड़ा हुआ है, इसके दूसरी तरफ भी इसका एक पैच है। लिटिगेशन फ्री हो गया है, डेवलपमेंट हो रही है बड़ी स्पीड से। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आफ्टर दिस डेवलपमेंट, आफ्टर दिस बिग ब्रेक थ्रू जो तकरीबन बड़े लॉन्ग टाइम के बाद आया है, डीएचए फेस 5 की सेक्टर की प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? ना सिर्फ डीएचए फेस 5 के सेक्टर्स पे बल्कि ये सड़क जो है एक्सप्रेस वे ये आगे डीएचए फेस 6 सेक्टर 8 तक जाती है। सो द स्टेक्स आर वेरी हाई नाउ आफ्टर दिस डेवलपमेंट क्योंकि बहुत से सेक्टर्स यहाँ पे अब बहुत ज़बरदस्त प्राइस इंक्रीज के ट्रेंड के ऊपर आ जाएंगे। देर इज़ नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड इट के क्यों बढ़ेंगे, चूँकि सड़क क्लियर होगी, एक्सेस क्लियर हो गया है। नाउ आप इस्लामाबाद हाईवे से डायरेक्ट उन सेक्टर्स में जा सकते हैं। मैं अब उनको सेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, प्लॉट कटिंग के बारे में भी बताऊँगा। बेसिकली इस्लामाबाद हाईवे से जब आप फेस 5 की तरफ एंटर होंगे वाया डीएचए एक्सप्रेस वे तो आपके लेफ्ट और राइट साइड पर जो सेक्टर्स आएंगे उनमें सबसे पहले आपके पास आता है सेक्टर F1, उसके बाद F आता है वो भी राइट साइड पे आता है, फिर सेक्टर J आता है जो ओवरसीज सेक्टर है, फिर सेक्टर G, H और फिर आगे फेज 6 शुरू हो जाता है जिसका सेक्टर A है आगे। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर F1। सेक्टर F1 जो है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस में सेक्टर F1 को कवर किया और हमेशा ये बात कहते हैं कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन DHA फेज 5, सेक्टर F1 इज़ द सेक्टर जहाँ पे कनाल और 10 मल्ला की कटिंग अवेलेबल है। 10 मल्ला के जो प्लॉट हैं वो सेक्टर F1 में तकरीबन 135 टू 140 की ब्रैकेट में अवेलेबल हैं जिसमें 10 लाख बैलेंस है। उसके अलावा जो कनाल के प्लॉट हैं वो 180 टू 195 की ब्रैकेट है जिसमें 15 लाख का बैलेंस है। ये बात होगी सेक्टर F1 की। उसके बाद उसके साथ है सेक्टर F जहाँ पे DHA का हेड ऑफिस भी फ्यूचर में आ जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कि DHA फेज 5 जो है वो फ्यूचर में एक तो एक्सप्रेस वे खुल गई फिर हेड ऑफिस आ जाएगा। तो ये वाला जो DHA फेज 5 का हिस्सा है जहाँ पे सेक्टर्स मैंने आपको बताया F1, F, J, G, H और D, सॉरी एस्केप D, D भी को भी एक्सेस लगेगा इस सेक्टर से ही, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर F1। बेसिकली हम सेक्टर F1 के बारे में बात करने लगे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। द रीज़न बीइंग कि वहाँ पे 5 मल्ला, 8 मल्ला, 10 मल्ला और 1 कनाल की कटिंग अवेलेबल है। लेट मी टेल यू अबाउट द प्राइजेस एज वेल जो इस वक्त चल रही हैं एंड वी आर श्योर कि नेक्स्ट वीक एंड कमिंग मंथ्स इसकी प्राइजेस में बड़ा इंक्रीज आ चुका होगा। सेक्टर F में 5 मल्ला का जो प्लॉट है डेवलप पोजेशन वो 90 to 95 लाख की ब्रैकेट में है। 8 मल्ले का प्लॉट 125 to 130 लाख की ब्रैकेट में है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट है 8 मल्ला की कटिंग में क्योंकि वहाँ पे भी DHA ने उसको बस एक आप कह लें कि ये वाहिद पैच था DHA फेज 5 सेक्टर F में जहाँ पे डेवलपमेंट अभी होनी थी। सारे लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल चूँकि हमने 8 मल्ले का पैच भी कवर किया हुआ है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त शानदार जगह है चूँकि हाइटेड भी है,
मैंने आपको प्राइजेस बता दी उसकी। उसके अलावा जो 10 मरला है सेक्टर एफ में पोजेशन वाले प्लॉट्स के बारे में आपको बताने लगा हूँ। दे स्टार्ट फ्रॉम 165 ऑल द वे टू 185, ठीक है। पोजेशन अवेलेबल है सेक्टर एफ में और इन कटिंग्स में भी अवेलेबल है। जो वन कनाल है सेक्टर एफ का, उसकी जो प्राइस रेंज है वो 225 से लेके 300 तक है, यानी कि 2.25 करोड़ से 3 करोड़ की ब्रैकेट है सेक्टर एफ में एक कनाल की। और सेक्टर डी की अगर बात करें तो उसमें 10 मरला है और एक कनाल है। 10 मरला की प्राइस 150 से 170 के बीच में इस वक्त, और जो कनाल है उसकी प्राइस 225 से 300 के बीच में इस ब्रैकेट में है। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट है, पोजेशन नहीं है, इसी साल अनाउंस होगी विद इन फ्यू मंथ्स। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, सेक्टर डी इज़ आल्सो वन सच सेक्टर, रीजन बीइंग डेवलप हो चुका है, पोजेशन सून अनाउंस होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर जे ओवरसीज़। एक्सटेंसिवली हमने इसको कवर किया हुआ है, 10 मरला के प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हैं। 3 साल की इंस्टॉलमेंट थे पे थे, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, 1 साल गुजर चुका है, 2 साल रह गए हैं, शानदार डेवलपमेंट वहाँ पे भी चल रही है। उसकी जो प्राइजेस हैं उसमें प्रॉफिट चल रहा है बेसिकली, और प्रॉफिट की रेंज अगर मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ बिटवीन 75 to 85 लाख रुपीज़, ठीक है। ये है वहाँ पे जो ओन चल रहा है सेक्टर जे में, 10 मरला के प्लॉट्स हैं सिर्फ ओवरसीज सेक्टर के, ये ओन चल रहा है जी। उसके अलावा सेक्टर जी और एच की बात करें जो बिल्कुल आगे है, हमारे पास एक प्लॉट भी था, हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, शानदार प्लॉट था। इसी एक्सप्रेसवे से आगे जाके सेक्टर 8 से वॉकिंग डिस्टेंस पे था वो प्लॉट। एनीवेज कनाल की प्लॉट कटिंग वहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस रेंज इज़ बिटवीन 215 to 250, 2 करोड़ 15 लाख से 2 करोड़ 50 लाख की रेंज है डेवलप प्लॉट्स की वहाँ पे। सेक्टर जी की बात करें तो वहाँ पे भी कनाल के कटिंग अवेलेबल है, और उसकी प्राइस रेंज जो है पोजेशन वाले प्लॉट्स की 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में है। ये जो मैंने आपको प्राइजेस बताई हैं, इन प्राइजेस को बताने का मकसद ये है कि 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद, मे बी इवन बिफोर दैट, वी विल मेक अनदर वीडियो अबाउट दी सेक्टर्स, और आपको हम बताएंगे कि प्राइजेस में कितना जंप आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेस वे जो ओपन हो चुकी हुई है। इट्स अ ब्यूटिफुल रोड, DHA के किसी भी फेज़ में आपको इतनी बड़ी सड़क नहीं मिलेगी पिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है। आगे तक ये सड़क बनी हुई है, सिर्फ ये पैच एक दफ़ा कैमरा घुमाएं फिर से दिखाएं, वो जो सामने आपको एक मशीन नज़र आ रही है जिसके साथ वाइट कार भी खड़ी है, वहाँ से था ये लिटिगेशन पैच शुरू होता था और एंड होता था यहाँ पे। कैमरा घुमाएं जी, ये जो ब्लॉक्स थे, ये जो 3 ब्लॉक पड़े हुए हैं, कैमरा घुमाएं, इन 3 ब्लॉक्स का पैच था, बस सिर्फ ये पैच था जिसकी वजह से एक्सेस बंद था, एक्सेस खुल गया। वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन DHA फेज 5, क्योंकि इसका डायरेक्ट और नीड एक्सेस है टूवर्ड इस्लामाबाद हाईवे। 2 गेट हैं इसके DHA फेज 5 के, उनमें से एक ये वाला है, बड़ा अहम गेट है ये। और इन सेक्टर्स का जो मैंने आपको बताया है, वंस अगेन मैं आपके लिए नाम लूँगा, सेक्टर F1, F, D, J, G, H and Phase 6 सेक्टर है, उनकी फॉर्चून्स में ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है, प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। और मार्क माई वर्ड्स, इन 2 to 3 years टाइम यही प्लॉट जो मैंने आपको सेक्टर एफ में फॉर एग्जांपल 3 करोड़ का एक प्लॉट है, यही प्लॉट 5.5 करोड़ तक गया होगा इन 2 to 3 years टाइम। सो यू कैन इमेजिन द रेज एंड द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन गेट इफ़ यू इन्वेस्ट हेयर। छोटी इन्वेस्टमेंट भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 90 लाख 95 लाख 5 मरला के प्लॉट में, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में। उसके अलावा भी लेट सेट असाइड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू बाय योर होम, बाय योर प्लॉट, माय बैड, माय मिस्टेक, और आप यहाँ अपना घर बनाएं। अच्छा, इस पैच को देख के ये ना सोचें कि आगे रोड नहीं बनी हुई और बस अभी यही बना हुआ है और आगे बननी है, ये रोड फेज 6 सेक्टर ए तक बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत सड़क है ये, डबल रोड है ये और बहुत चौड़ी है। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको इतनी बड़ी सड़क नहीं मिलेगी। और जो सेक्टर्स हैं, मैं दोबारा आपको उनके नाम बताऊंगा, F1, F, D, J, G और H, ठीक है, जहां पे 5, 10, 5, 8, 10, 1 कनाल की प्लॉट कटिंग अवेलेबल है, ये अब DHA फेज 5 के हॉट सेक्टर्स बनने वाले हैं। इनके जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या इनके कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वो सारे हॉट प्रोडक्ट बनने वाले हैं। वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट, डोंट डिले। जितने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जब हमको विजिट कराते हैं, हमको एक बार जरूर बताते हैं कि ये पैच अब खुल जाएगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दिस इज़ अ टाइम, पैच इज़ ओपन नाउ, एक्सप्रेस वे इज़ ओपन नाउ, वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट बिफोर प्राइस बिकम्स वे टू हाई एंड बियॉन्ड योर रीच। सो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी इन DHA फेज 5,
My number is being shown to you on the screen. You can reach out to us. Don't delay. Again, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, get hold of your property here because you're going to make fantastic return on your investment in DHA Phase 5. Thank you very much.